अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल डिलाइटफुल क्यूजिन्स। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं खट्टी दाल की रेसिपी। सेंगट और बैंगन की मज़ेदार सी खट्टी दाल बनाएंगे। झटपट रेसिपी बताते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। और रेसिपी पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट। तो आइए देखते हैं इसकी बेहतरीन सी रेसिपी। तो यहाँ पर हमने कुकर में ले लिया है 1/2 किलो तुअर दाल और इसमें पानी ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और थोड़ी सी चॉप्ड की हुई कोथमीर इसमें ऐड कर देंगे। 3/4 कप टमाटर ऐड कर देंगे इसमें डाइस करके, और साथ ही 1/2 कप प्याज ऐड कर देंगे। 2 हरी मिर्च इस तरह से कट करके ऐड कर देंगे और साथ में चॉप्ड की हुई कोथमीर, और साथ ही 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। थोड़ा सी ऑयल ऐड कर देंगे, हल्का सा इसे स्टर कर लेंगे और 2 विसल तक इसे बॉईल कर लेंगे। एक कढ़ाई में हमने ले लिया है 2 बैंगन इस तरह से पीसेस में कट कर लिए हैं, और साथ ही 2 सेंगट लिया है हमने इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। अब साथ ही इसमें टेस्ट के हिसाब से रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून, और 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही सॉल्ट टू टेस्ट, चॉप की हुई थोड़ी सी कोथमीर ऐड कर देंगे। 1 to 1.5 कप पानी इसमें ऐड कर देंगे और इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो एक तरफ हमारी दाल गल रही है और साथ ही एक तरफ इसे गलने के लिए रख देंगे, ठीक है। सेंगट और बैंगन गल जाए तो इसमें ऐड कर देंगे इमली का पानी। तो 1 कप इमली का पानी हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे उबाल आने तक कुक करेंगे। और यहाँ पर दाल अच्छी तरह से गल चुकी है, इसे घोट लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। तो दाल को अच्छी तरह से बॉईल करके हमने घोट दिया, इसको अभी कुक करने की ज़रूरत नहीं है। और सेंगट और बैंगन में इमली का पानी डाल के एक उबाल आने तक अच्छी तरह से कुक कर लें। बस एक उबाल आ जाएगा, इमली का पानी कुक हो जाएगा, तो ये सब्ज़ी के साथ दाल में ऐड कर देंगे। दाल में ऐड कर देते हैं सॉल्ट टू टेस्ट, अब इसमें ऐड कर देते हैं सब्जी को, अच्छी तरह से स्टर करके मिक्स कर लें। अब बस इसे तड़का लगाना है। अब तड़के के लिए 10 से 12 लहसुन कूट लेते हैं। अच्छी तरह से कूट के इसको ऐड करेंगे और 1/2 कप प्याज भी ले लेंगे स्लाइस की हुई, इसे भी कूट लेते हैं। अब कढ़ाई में हमने 1/4 कप ऑयल हीट कर लिया, उसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून राइस जीरा और साथ ही 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर देंगे। राइस जीरा क्रैकल हो जाए तब इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और प्याज, कर लेते हैं। थोड़ी सी करी लीव साथ ही ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हल्का सॉटे कर लें प्याज लहसुन को। बस इस तरह से हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें थोड़ी सी चॉप्ड की हुई कोथमीर ऐड कर देंगे। दाल को अच्छी तरह स्टर करके दाल को तड़के में ऐड कर देंगे और तड़के में 1/2 टीस्पून मिर्ची भी ऐड कर देंगे। हल्का सी स्टर कर लेते हैं इसे। अब इसमें ऐड कर देंगे दाल। दैट्स इट। हमारी खट्टी दाल मज़ेदार सी टेस्टी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। हमारी तो फेवरेट है ये रेसिपी, बहुत ही सिंपल और इजी है, तो ज़रूर ट्राई कर। और ये मज़ेदार सी खट्टी दाल की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।